गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, गोविंद सिंह कांग्रेस के बुजुर्ग नेता हैं, उनकी पीड़ा मैं समझता हूं, उनकी कोई सुनता ही नहीं है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के नेता बीजेपी पर उंगली उठाते हैं, वो अपने 15 महीने की उपलब्धि नहीं बताते। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता गोविंद सिंह के बयान पर कहा, कांग्रेस के सारे नेता 69 से 75 साल की उम्र के हैं। कांग्रेस के गोविंद सिंह बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हालांकि वे समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं। उनकी पीड़ा, उनका दर्द छलक रहा है, तो कांग्रेस की स्थिति को समझा जा सकता है। ये लोग अपने 15 महीने के कार्यकाल की एक उपलब्धि नहीं बता पाते। कांग्रेस सरकार बनी ही झूठ के सहारे थी। देखो, कांग्रेस के गोविंद सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता है, हालांकि वो समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं, लेकिन ये भी सच है कि बोलते खरा है। और उनकी पीड़ा, उनका दर्द अगर छलक रहा है तो आप उससे कांग्रेस की स्थिति को समझ सकते हो। कमलनाथ जी ने केंद्रीकृत व्यवस्था कर ली, इसमें बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ तो सब कुछ केंद्रीकृत, एक परिवार के भरोसे ही पूरी पार्टी चल रही है। इसलिए उस संस्कृति को अगर कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में बढ़ाया है तो गोविंद सिंह जी को समझना चाहिए। उनके साथ जब वो वरिष्ठ क्रम में मंत्रिमंडल में नंबर 2 के व्यक्ति थे, तब भी ऐसे विभाग दिए गए थे कि लगता ही नहीं था कि वो वरिष्ठ हैं। ऐसे तो वरिष्ठों का ही समूह है। गोविंद सिंह जी 69 के हैं, सज्जन वर्मा 70 के हैं, एनपी भाई 71 के हैं, दिग्विजय सिंह 74 के हैं, कमलनाथ जी 75 के हैं। मैं वृद्धाश्रम की तुलना नहीं कर रहा उनसे, पर मैं वरिष्ठों की बात कर रहा हूँ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।